नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन क्या था? जब 1919 का एक्ट पारित किया गया, उसी समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दी थी कि 10 वर्ष के बाद 1919 के एक्ट की पुनः समीक्षा की जाएगी। 1919 का एक्ट और इसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद का समय निर्धारित किया गया था। परंतु ब्रिटेन की राजनीतिक हलचल के कुछ कारणों की वजह से वहां उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए और अपना एक बहुत बड़ा उपनिवेश जो उस समय भारत था ब्रिटेन का, उसको बचाने के लिए उन्होंने 10 वर्ष के स्थान पर 8 वर्ष बाद ही एक आयोग का गठन कर दिया इस 1919 के एक्ट की जांच के लिए। और 8 वर्ष बाद नवंबर 1927 में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था भारतीय विधिक आयोग। इसका नाम था भारतीय विधिक आयोग। भारतीय विधिक आयोग के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। भारतीय विधिक आयोग के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। और इन्हीं साइमन के नाम पर, क्योंकि ये अध्यक्ष थे इसलिए साइमन के नाम पर इसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। इस आयोग की एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि साइमन कमीशन में सर जॉन साइमन के साथ जो 7 सदस्य थे, वे 7 के 7 श्वेत सदस्य थे, अंग्रेज थे। सभी सदस्य श्वेत थे। ये सभी सदस्य श्वेत थे और आगे चल करके यही सभी श्वेत सदस्यों का होना ही साइमन कमीशन के विरोध का सबसे बड़ा कारण बनकर उभरा, जिसके कारण मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने साइमन कमीशन का व्यापक स्तर पर विरोध किया गया। साइमन कमीशन के भारत में भेजे जाने का उद्देश्य था कि भारत की सरकारी व्यवस्था, प्रथम बिंदु सरकारी व्यवस्था, दूसरा शिक्षा के प्रसार, तथा तीसरा यहां पर उपस्थित प्रतिनिधि संस्थाओं, इन तीनों के अध्ययन के द्वारा। ये तीन, सरकारी व्यवस्था, शिक्षा का प्रसार और यहां की प्रतिनिधि संस्थाओं, इन तीनों के बारे में अध्ययन करके यह रिपोर्ट देना था कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहां तक ठीक रहेगी और भारत इसके लिए किस हद तक तैयार है। और इनके बारे में अध्ययन करके साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे 1930 में प्रकाशित किया गया। उसे प्रकाशित किया गया था 1930 में। और 1930 की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसके अनुसार साइमन कमीशन ने कहा था कि प्रांतों में तो उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार बनाई जाए। दूसरी जो बात उन्होंने कही थी कि केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए और इसमें संघीय भावना हो, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन हो जिसमें संघीय भावना को महत्व दिया जाए। परंतु तीसरी महत्वपूर्ण बात जो 1930 में प्रकाशित की गई वह यह थी कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार
केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की जाए, क्योंकि भारत अभी इसके लिए तैयार नहीं है। यह तो थी 1930 की रिपोर्ट जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर प्रकाशित की गई थी। अब आइए देखते हैं कि साइमन कमीशन जो अपने विरोध के लिए अधिक प्रसिद्ध है, अपनी रिपोर्टों के लिए कम, अपने विरोध के लिए अधिक प्रसिद्ध है। साइमन कमीशन सुनते ही हमारे मन में एक सेंटेंस आ जाता है, गो बैक साइमन का। वो किस स्तर तक साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया और विरोध का महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसके विरोधों में सबसे पहले हम कांग्रेस की प्रतिक्रिया को देखते हैं। विरोधों में कांग्रेस, कांग्रेस जो उस समय महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, उसने अपने मद्रास अधिवेशन का आयोजन किया गया कांग्रेस के दिसंबर 1927 में। और अभी मैंने आपको बताया कि नवंबर 1927 को साइमन आयोग की घोषणा की गई थी, और उसके ठीक एक महीने बाद, अभी साइमन कमीशन भारत पहुंचा भी नहीं था कि दिसंबर 1927 को मद्रास अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी एम ए अंसारी ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह घोषित कर दिया कि प्रत्येक स्तर और प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। और इसका कारण यह था साइमन कमीशन का विरोध करने का कि पहली बात तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था पूरे साइमन कमीशन में, जो कि 1919 के एक्ट की जांच करता है। इसकी जांच के लिए सभी श्वेत सदस्यों को बुलाया गया। इसलिए भारतीयों के मन में एक भावना उभरी कि क्या कोई भी भारतीय इस लायक नहीं है कि वह भारत के बारे में निर्णय ले सके, किसी भी भारतीय का इसमें न रखा जाना सबसे बड़ी समस्या थी। इसमें कारण में मुख्य कारण यही है, भारतीयों का ना होना। इन कारणों के अलावा 1928 में एक अंग्रेज अधिकारी बिरकन हेड बिरकन हेड ने कहा था कि अगर भारतीयों में क्षमता है तो वे खुद अपने दम पर अपने सभी दलों को संतुष्ट करने वाला एक संविधान बनाकर दिखाएं। संविधान का इसने चैलेंज दिया था, संविधान चैलेंज आप इसको कह सकते हैं, संविधान के लिए एक खुला चैलेंज बिरकन हेड ने दिया था। तो ये कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास का जो दिसंबर 1927 में आयोजित किया गया, अध्यक्षता की एम ए अंसारी ने, और प्रत्येक स्तर और प्रत्येक स्वरूप पर कांग्रेस ने इसका विरोध करने की ठान ली। और 1927 के मद्रास अधिवेशन की एक और विशेषता थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष पेश किया था, जिसे पास कर दिया गया, इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और अब कांग्रेस का लक्ष्य हो गया था पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, और इसके लिए वे किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, और साइमन कमीशन का विरोध किया गया। कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया, मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया। 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 वह तारीख जब साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। साइमन कमीशन बंबई पहुंचा तो, पर उसे पहुंचते ही काले झंडे और गो बैक साइमन सुनने को मिला। उसके विरोध में काले झंडे दिखाए गए और गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। जगह जगह जुलूसों का आयोजन किया गया और हड़तालें की गई, जुलूस और हड़ताल का आयोजन किया गया।
और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे नए युवकों ने राजनीति में हिस्सा लिया इस दौरान कि जिन्होंने कभी राजनीति में कदम नहीं रखा था और इसी समय उभर कर हमारे सामने जो नए नए उभर के नेता आ रहे थे उनमें से तेजी से आगे बढ़े सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। बोस और नेहरू ये दो नेता उभर कर तेजी से आगे बढ़े और जगह जगह पर इन्होंने सभाओं को संबोधित किया, रैलियां आयोजित की और लोगों को यह बताया कि किस तरह से साइमन कमीशन हमें अयोग्य ठहरा रहा है, हमारे भाग्य का फैसला दूसरों के द्वारा किया जा रहा है। आप खुद सोचिए कि अगर आपके घर के बारे में कोई निर्णय लिया जाना हो और उसमें आपके घर के किसी भी सदस्य से कोई भी बात न पूछी जाए, किसी और के द्वारा आपके घर के बारे में निर्णय ले लिया जाए तो वह कैसा लगेगा। ठीक उसी प्रकार का माहौल उस समय भारत में बन चुका था कि निर्णय भारत के भविष्य का लिया जाना था और भारत के किसी भी व्यक्ति से उस बारे में बात नहीं की गई। 7 सदस्य साइमन कमीशन में भेजे गए और 7 के 7 अंग्रेज थे, इसलिए इतने व्यापक स्तर पर इसका विरोध हुआ। छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बोस और नेहरू जैसे नेताओं ने आगे आकर के क्रांति को आगे बढ़ाया। उसके बाद शुरू होता है पुलिस का दमन चक्र, क्योंकि अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां अभी भी चल रही थी। आती है बारी दमन चक्र की। पुलिस ने अपने दमन चक्र में जमकर लाठियां बरसाई। उन्होंने क्या वरिष्ठ और क्या नए नेता कुछ नहीं देखा। वरिष्ठ नेताओं पर भी लाठियां भाजी गई और नए नेताओं पर भी, जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत जैसे लोगों को घायल कर दिया गया। नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत जैसे नेताओं पर जमकर लाठियां बरसाई गई और लाला लाजपत राय लाठियां खाने से इतने जख्मी हो गए थे कि 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय के घायल हो जाने की वजह से मृत्यु हो गई। अब साइमन कमीशन की नियुक्ति के 2 मुख्य प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं और उन 2 प्रभावों में से पहला हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जो पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति प्लस सामाजिक आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में लगे हुए थे उनको उत्तेजित करने का काम किया साइमन कमीशन ने। इनकी गति को तीव्र कर दिया साइमन कमीशन की इस घटना ने। और जो दूसरा प्रभाव हमको देखने को मिलता है वह है कि मैंने अभी बताया कि 1928 में भारत सचिव बिर्कनहेड ने जो चैलेंज किया था कि भारतीय सर्वसम्मत रूप से एक संविधान का निर्माण करके दिखाएं, इस चैलेंज को पूरा करने के लिए एक गजब की एकता का भाव भारत में देखा गया, भारत में अखंडता का भाव जगा, इसने एकता के भाव को जन्म दिया। तो यह था साइमन कमीशन, उसके प्रभाव, उसके रिपोर्ट और साइमन कमीशन का विरोध। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल जीएस मंत्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।